हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल से सेलेक्ट या सीएचएसएल एमटीएस से सेलेक्ट होते हैं, उन लोगों को जिनका अभी पोस्ट प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सीजीएल का मेंस, ये सब पेंडिंग है। उनको एक मोटिवेशन प्लस उनको एक चीज़ समझने को मिलेगी इस सैलरी चार्ट से कि लोअर ग्रेड पे और हायर ग्रेड पे में कितना डिफरेंस है। जो लोग, जो कैंडिडेट्स नए हैं, उनको ये चीज़ नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता। जैसा आप मुझे जानते हैं, आई एम सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन और ऑलरेडी वर्क इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम 7 ईयर्स, सिंस 2015। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले 4800 ग्रेड पे जो डबल ए ओ या ऐसी कोई पोस्ट ऑप्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, बेसिक होती है ये, आपका डियरनेस अलाउंस जो रहेगा वो 38%, अभी तक जो चल रहा था वो 34 चल रहा था। ठीक है, AICPI, ठीक है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हर साल इंक्रीज होता है। लेबर ब्यूरो का डाटा मेरे पास है, अभी आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अब ये कंफर्म है कि 38.54 हो रहा है, तो पीछे की वैल्यू नेगलेक्ट करके 38 लेते हैं ये, तो 18,000 आपका डीए बनेगा। एचआरए आपका 27% होगा, जब डीए 50% क्रॉस कर जाएगा आपका, तब एचआरए 30% हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल यही है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको इतना मिलेगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा 14%, यानी गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है जितनी आपकी ये बेसिक और डीए है, तो ये भी आपका ना इन द एंड डिफाइन करेगा। मतलब ये चीज़ें आपको लास्ट में समझ आएंगी, अगर आप लोअर ग्रेड पे लेते हो और हायर, तो हायर में ये चीज़ें जो है ना वो आपकी ज़्यादा होती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो वो पैसा भी बाद में आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम। ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बनेगी लगभग इसमें, और इन हैंड सैलरी जो आपकी नेट बनेगी वो 76,000 बनेगी। आपका जो डिडक्शन है वो 10% होता है, 650 रुपये आपको CGHS के कटते हैं और आपके 60 रुपये CGIS यानी इंश्योरेंस होता है ये इसके, और ये हेल्थ केयर की सर्विस होती है जो गवर्नमेंट की रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, 4600 ग्रेड पे, देखिए इसकी बेसिक इतनी होती है, आपको डियरनेस अलाउंस इतना मिलेगा, टोटल आपकी ये एमोल्यूमेंट्स यानी आपको रहने का पैसा इतना मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल का इतना मिलेगा, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ये रहेगा। तो यानी अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट चूज़ करते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर करते हो, तो आपकी सैलरी इनहैंड इतनी होगी 72,000। वहीं अगर आप 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे चूज़ करते हो, तो आपकी बेसिक कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि हाफ से थोड़ी कम है 2400 ग्रेड पे में तो, और आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 43,000 जो इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी सारे कंट्रीब्यूशन के बाद। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी आप देखोगे लगभग 30,000 कम हो जाएगा। ठीक है, 30,000 नहीं 40,000 लगभग गवर्नमेंट कम डालेगी, यानी 5,00,000 का नुकसान तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से ही होना है, अगर सॉरी 40,000 नहीं, ये आपके गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन कर रही है ये है, सॉरी वो ग्रॉस में हो गया, तो 5,00,000 का आपका ग्रॉस में आ जाएगा जो डिफरेंस आएगा, और इसके अंदर लगभग 50,000 का डिफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, यानी आपको इनहैंड सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा 30,000 का अगर आप लोअर ग्रेड पर लेते हैं, और 24,000 का लगभग देखेगा अगर आप 2800 ग्रेड पे लेते हैं अपना होम टाउन कंसीडर करके, और जो XCT में 4600 ग्रेड पे मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे आपको। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पोस्ट प्रेफरेंस में ये भी मैटर करता है आपकी सैलरी, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो प्रिपरेशन करी है इतने साल, वो हायर ग्रेड पे यानी एक अच्छी डिसेंट जॉब लेने के लिए करी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप होम सिक हो या फिर होम को प्रेफर करते हो, या आप एक गर्ल हो जिसको लोकेशन कॉन्स्ट्रेंट या फिर जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या जो अपने डिसीजंस नहीं ले पाओगे बाहर रह के दूर किसी जगह पर, शिलोंग या ऐसी जगह चेन्नई, तो आपके लिए छोटी ग्रेड पे वो है, बट अगर आप कंसीडर करते हो सारे फैक्टर्स, तो हायर ग्रेड पे इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस, क्योंकि उसमें आप बाद में भी 3 साल सर्विस रेंडर करके लोअर ग्रेड पे में पे प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो आई होप मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी है। काफ़ी लोगों के मुझसे डाउट्स थे कि सर ये क्लियर कर दो, तो मैंने क्लियर कर दिए। जिनको हमारे साथ जुड़ना है, जो हमारे से गाइडेंस चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं और चीज़ें, वो मेल कर सकते हैं ssigor@ssigor.com पर। कुछ चीज़ें हैं वो आपको पर्सनली समझा दी जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1900 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूँ, 1900 में आप देखोगे बहुत ही कम सैलरी मिलती है, 35,000 के लगभग, यानी अब गवर्नमेंट सर्विस में सबसे कम सैलरी 32,000 रुपये हो गई है। तो आई होप XCT का था ये, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इस जो मेट्रो सिटीज़ हैं, और बेंगलोर, ठीक है, पुणे। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, पूरा सैलरी चार्ट 4200 ग्रेड पे, यानी डिविजनल अकाउंटेंट या कोई मिनिस्ट्री आप ऑप्ट करते हो, इन एंड सैलरी 57,000 बनेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ YCT का भी, ठीक है, क्रेडिट जाता है इसका हमारी टीम और सुमित पॉल, ठीक है, कोर। अब आगे चलते हैं YCT में, अगर देखते हैं YCT में आप देखोगे बेसिक पे जो रहेगी वो आपकी इतनी रहेगी डबल ए ओ की,
और आपकी इनहैंड सैलरी जो बनेगी 69,461 बनेगी। ये आपके एमोलूमेंट्स रहेंगे जो आपको मिलेंगे 38% डीए के हिसाब से। ये जो सैलरी चार्ट है आपका, मैं टेलीग्राम एसएससी कोर पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना एसएससी कोर 123, ये ज्वाइन कर लेना। लगभग अभी 8,500 लोग होने वाले हैं, वो वाला चैनल है हमारा, वो ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके जो सैलरी चार्ट है डिटेल्स वो शेयर कर दूंगा। तो आप देखोगे 4600 ग्रेड पे में ग्रॉस 80,000 से ज़्यादा बनेगी और इनहैंड वाई सिटी में 65,000। ये आपको जो है डीए मिलने वाला है, ये आपको एचआरए मिलने वाला है, ये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही आपको 4200 ग्रेड पे में लगभग 52,000 के 52,000 अप्रोक्स सैलरी बनेगी। इन केस ऑफ 2800 ग्रेड पे और बेसिक वुड भी 29,200। सो योर डियरनेस अलाउंस जो है वो आपका बनेगा 11,000 रुपीज़ और आपकी इनहैंड सैलरी बनेगी 43 और आपकी 2400 ग्रेड में 38,000। ये आपकी रहेगी न्यू ज्वाइनिंग की, जो नए ज्वाइन करेंगे और फर्स्ट मंथ नए ज्वाइनिंग में आपका एनपीएस डिडक्ट नहीं होता, तो आपकी सैलरी जो ये एनपीएस हमने डिडक्ट किया 10%, ये और ज़्यादा आएगी। ये सैलरी जो आपकी 1 जुलाई से हो गई है, पर इसका अरियर्स मिलता है, ठीक है, एरियर जो रहते हैं वो मिलते हैं आपको अक्टूबर दिवाली के टाइम पर, और जनवरी में जब बढ़ता है तो होली के टाइम पर मिलते हैं मार्च में। तो जब आप ज्वाइन करोगे 2019 सीजीएल वाले या 2020 वाले, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। 2020 वालों के इसमें वो 75 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी एक्स सिटी में। आगे की बात करूँ मैं, ये जेड सिटी का है। जेड सिटी में आप देखोगे कि 4800 ग्रेड पे पर भी सैलरी 65,000 है और 4600 में 621 और 4200 ग्रेड पे में भी आपकी 50,000 मिलेगी आपको इनहैंड। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जेड सिटी के अंदर, क्योंकि एचआरए का डिफरेंस काफ़ी कम रह जाता है। आप देखोगे 9% से काफ़ी कम डिफरेंस रह गया, तो जेड सिटी में पोस्टिंग है तो ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छी ग्रेड पे को चूज़ करना फ़ायदेमंद है हमेशा, और जेड सिटी में आप डीए को चूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्स, ठीक है। 2800 ग्रेड पे में आपकी सैलरी लगभग इतनी बनेगी और 24 में इतनी। अब जो मैंने चीज़ें समझाई है इसको मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, और ये आप देख सकते हो कि जनवरी का डाटा है, जो जनवरी से लेकर जून तक का, ठीक है। तो जनवरी से जून के डाटा में ये आपका चल रहा था इंडेक्स, और इसके अकॉर्डिंग हर साल आप हर महीने आप देखोगे बढ़ता जा रहा था। इतने पर जो फैक्टर निकल के आया AICPN लेबर ब्यूरो के डाटा के हिसाब से, आप ये देख सकते हो लेबर ब्यूरो की साइड से लिया गया, तो 129.2, जैसे एक फिटमेंट फैक्टर होता है 2.57 का। आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि अभी ये जो है आपका डीए रहेगा ये ऑफिशियल है, जुलाई में अब आपका डीए बढ़ गया है, 38% हो जाएगा, कुछ दिनों में ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है, जिन लोगों को एक्साइटमेंट है मैं थोड़ा बता दूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से डीए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 2001 वाला चल रहा था, बट अभी 2016 का रिसेंटली इन्होंने 2016 वाला जो है पे कमीशन उसका लेने की वो करी है। तो डीएनएस अलाउंस जो है एवरेज होता है AICPI का, और अब जो है पास्ट 12 मंथ का होता है, अब 2016 का यहाँ पर लेंगे ये बेस ईयर, तो उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाल के, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से, ये सारे इनको हम ऐड करके फिर फॉर्मूले में डाल के एक आपका निकल के आता है, और 3% इंक्रीज़ हुआ था पिछली बार, इस बार 4% इंक्रीज़ होगा, ये 100% श्योर हो चुका है जो लेबर ब्यूरो का डाटा है। जैसे ही अगला इंक्रीज़ होगा आपके साथ सैलरी चार्ट शेयर करूँगा, प्लस गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद जैसे आप सब सेलेक्ट हो ही रहे हो, तो उसके बाद आपको टैक्स सेविंग के लिए क्या करना है, आपको क्या क्या पॉलिसी, आपको कैसे पैसे को आपको इन्वेस्ट करना अपना, ये सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं समझाऊंगा। आई एम वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हैव अ डीप नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, और जो भी है आपको, अब मेरे GST में अपने होम टाउन इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है दिल्ली जोन में, तो आपके साथ ये चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, थैंक यू सो मच। और हमारे वेरियस ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो, SSC Core 123, इसका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।